आज देखिए बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करता हूं। जब मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाने की शुरुआत की थी, यानी मैं अगर सही ढंग से कहें तो हमने अक्टूबर एंड के आसपास ही वीडियो लेक्चर बनाने के बारे में सोचा कि आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, पिक्स एजुप्लेक्स वीडियो लेक्चर के नाम से। तब हमें उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इस बात को इतना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और इतना अच्छे से इन वीडियो लेक्चर्स की तरफ ध्यान देंगे। अब हम जब देखते हैं कमेंट सेक्शन में किस तरह से बच्चा अलग अलग बात पे बार बार थैंक यू बोलता है और बार बार अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, तो उस बात को देख के एक हद से ज्यादा सेटिस्फेक्शन की महसूस हमें होता है। हमारे प्रोवाइडेड किए गए व्हाट्सएप नंबर पे जब बच्चे पर्सनल इंटरेक्शन कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक वो नहीं पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको करना है और अब तो खैर पढ़ाई का वक्त ही है। तो ऐसे केस में कई बार मैं खुद ही इस बात को सोचने पे मजबूर होता हूं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चा भारत के अलग अलग कोनों में हमें मैसेजेस और फोन भारत के अलग अलग इलाकों से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से, इंदौर से, महाराष्ट्र से, अलग अलग इलाकों से जब बच्चों का फोन आता है और वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या व्हाट्सएप पे वो टेक्स्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो एक बार को तो लगता है कि देखो बच्चा कितना तरक्की करना चाहता है लेकिन साधनों का अभाव उसे तरक्की करने से रोकता है। देखिए, अगर आपके अंदर एक इच्छा है तो आप किसी चिराग की तरह बनिए, आप चिराग की तरह जलिए। चिराग कहीं भी हो, जब वो अपना प्रकाश फैलाता है तो करोड़ों सालों का, करोड़ों मील का अंधकार भी वहां से दूर हो सकता है। एक सूरज करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर का अंधकार खत्म कर सकता है, तो आपकी इच्छा क्यों नहीं। अपने मन की इच्छा को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि जरूर आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई वहां अवेलेबल होगा। अब जैसे 12th क्लास के एग्जामिनेशन आने हैं और बहुत सारे बच्चों ने इस बात को बार बार कहा है कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस बताए जाएं, वो तैयारी कैसे करें एटसेट्रा। तो देखिए, यहां पर मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा। एक मॉक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करता हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और उस मॉक टेस्ट के अंदर आप अपीयर हो, आपको होना है। आप जहां भी बैठे हैं अपने ही इलाके में उस मॉक टेस्ट में अपीयर हुईए, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानिए कि क्या आप उस परफॉर्मेंस में बेटर हैं या नहीं हैं। उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, उनके आंसर ढूंढिए। जो ना हो पाए वो बेशक से हमसे पूछिए, लेकिन कोशिश कीजिए उस मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए। आप कैसे उस मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं? या तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कंसर्न दे सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं ताकि हम वहां पर आपके लिए मॉक टेस्ट भेज सकें, या इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि आप मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, आपके पास टेस्ट पेपर भेज दिया जाएगा। आप उस टेस्ट में अपीयर हुई, आप घड़ी को देख के 3 घंटे का समय लगाइए और उस टेस्ट को पूरे एक विश्वास के साथ उस टेस्ट में अपीयर हुई, 3 घंटे में ही आपको उसमें अपीयर होना है। मॉक टेस्ट का मतलब लुक लाइक एनवायरमेंट। आप उस टेस्ट को एक सच्चे मन से परफॉर्म कीजिए। जब आप तैयार हो जाएं, हम मॉक टेस्ट की डेट जल्दी ही आपको बताएंगे। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही ये मॉक टेस्ट रखा जाएगा, तो आप उस टेस्ट की तैयारी कीजिए। आप केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों के हम अलग अलग मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। आप हर पार्ट को अलग अलग तैयार कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे बताया गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्या पोर्शन तैयार करना है, इनऑर्गेनिक का क्या करना है, ऑर्गेनिक का क्या करना है। आप उस हिसाब से उस पोर्शन को तैयार कीजिए और उस मॉक टेस्ट में अपीयर होइए। आपके पास मॉक टेस्ट भिजवा दिया जाएगा, चाहे आपके व्हाट्सएप पे भेजें, चाहे कैसे भी भेजें। आप उस पेपर को सॉल्व करके हमें कुरियर कर दीजिए। आप अगर उस पेपर को सॉल्व करके हमें कुरियर कर देंगे, पेपर हमारे पास आ जाएगा और उस पेपर को देख के, आपको चेक करके, आपका रिजल्ट आप तक पर्सनली आपको बता दिया जाएगा। इसके फायदे ये होंगे, एक,
आप उस फाइनल एग्जामिनेशन से पहले की एंजाइटी से खुद को छुटकारा पा लेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हिंट हो जाएगा, आपको एक लिखने का मेथड आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको अपनी कमियों के बारे में मालूम पड़ जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए, ये सभी बच्चों के लिए ओपन टू ऑल टेस्ट है। आप जितना इसमें परफॉर्म कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ध्यान से कोशिश कीजिए, इस टेस्ट में आप फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल के आए और यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। और इस तरह से बच्चों मैं यही कहूंगा कि मैं आपके गुड लक के लिए प्रार्थना करता हूं और कामना करता हूं कि ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन है, आने वाले एग्जाम के दिन एंजाइटी फ्री रहेंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से एक शांत मन से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। तो देखते रहिए, जल्द ही मैं मॉक टेस्ट की अनाउंसमेंट करूंगा कि कब हम ये मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे।